इंडियाज मोस्ट लार्जेस्ट सेलिंग वाली बाइक और ये है यामा R15 वर्जन 3। तो इस वाली R15 में सारे मोड्स कर रखे हैं, जैसे टूरिंग मोड्स कह सकते हो, फैंसी मोड्स कर सकते हो, मस्ट हैव एक्सेसरीज सब कुछ इसमें लोड है। बेस्ट पार्ट और है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता होगा, यहाँ से लगाने के बाद हल्का सा सुपर बाइक का टच आ रहा है इसमें। साइड से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। वो वीडियो आपने देख ली, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो ये बात आ रही थी ऑफर की, कुछ ऑफर निकाल रखे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से न्यू शॉप है तो उसके लिए आप लोगों के लिए सरप्राइज होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जब भी आप आओगे तो खाली नहीं जाओगे। ऑफर क्या है राजीव भाई और विनोद भाई बताएंगे, बताओ भाई आप बताओ पहले। ऑफर है स्पेशल निंजा वालों के लिए, निंजा बाइक जो हमसे मॉडिफिकेशन कराएगा उसके लिए ऑफर है। आप देख सकते हो ये बॉडी कवर देंगे, बॉडी कवर और ये चेन साफ करने का इसको बोलते हैं चेन ब्रश, और ये मिलेगा चेन ल्यूब, आपकी चेन को डस्ट नहीं लगने देगा ये, इसको चेन भी बोलते हैं। ये जो एक देंगे हम ये कीरिंग, ये जो वो देख रहे हैं ना क्या कहते हैं इसको बॉडी कवर, ये बॉडी कवर वैसे ऐसा वैसा बॉडी कवर नहीं है इसका प्राइस, ये फुल वाटर प्रूफ बॉडी कवर है, फुल साइज का है। इसका प्राइसिंग बता दो कितने का बेचते हैं ये हमारे पास, और इसके बेचने का जो है 500-600 रुपये कम से कम बेचते हैं, इसको बेचने का जो रेट है वो ये है। बाकी आप लोगों के लिए गिफ्ट है ये, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा, दुकान बड़ी होगी अब इसलिए, और आप लोगों को बुलाना भी है। यस yes. ये कितने का बेचते हो वैसे बताओ? ये है 90 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ 90 रुपीज़ चले बिकता है, 150 का ये बिकता है, 50 रुपीज़ का ये बिकता है। टोटल कर देना कितना हो गया, कितना डिस्काउंट देंगे और आपको फिर गिफ्ट भी देंगे। और ये जरूरी नहीं है ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये हैंड स्लीव है, हैंड स्लीव सो ये भी साथ में, ये ऐसा ही तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन ऐसी कराते हो जो काफ़ी हद तक हो जाएगी तो उस पर फिर आपके लिए अलग डिस्काउंट होगा और अलग गिफ्ट होगा, तो ये भी एक बात है, ये बात है निंजा वालों के लिए। और अब हम बात करते हैं इंटॉर्क और स्कूटी की, जैसे कि आपने इसमें भी देखी वीडियो, हाँ उसमें चेन ब्रश नहीं लगता, उसके लिए हम देंगे हैंड स्लीव, एक पॉलिश का डब्बा। तो आप विजिट कीजिए, जल्दी से जल्दी आइए, ये ऑफर चलता रहेगा, बस विजिट कीजिए, काम कराइए, आपको ऑफर मिलते रहेंगे और इसके अलावा भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत जय भारत। सो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है इंडियाज मोस्ट लार्जेस्ट सेलिंग वाली बाइक और ये आपकी यामाहा R15 वर्जन 3 फुल लोड मोस्ट लोडेड। सो इस वाली R15 में सारे मोड्स कर रखे हैं, जैसे टूरिंग मोड्स कह सकते हो, फैंसी मोड्स कर सकते हो, मस्ट हैव एक्सेसरीज सब कुछ इसमें लोड है। इस वीडियो को देखकर आपको अपने R15 के किसी मॉडल में कुछ भी कराना हो तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो मैं शुरू करता हूँ एक एक करके दिखाना इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर रखी हैं। बाकी इसमें बेस्ट पार्ट और है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता होगा, यहाँ से लगाने के बाद हल्का सा सुपर बाइक का टच आ रहा है इसमें। देखो स्वेज फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले काफ़ी बल्कि साइज़ के साथ यहाँ पर R6 के मिरर जो कि काफ़ी हैवी है, इसमें एंगल को अपने आप एडजस्ट कर सकते हो, यानी किधर का आपके व्यू देखना है इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें आपको इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो इस तरीके से। तो मैं इसका करता हूँ इग्निशन ऑन और आपको दिखाता हूँ, और हैंडल बार पर भी देखो कितनी बेस्ट मॉडिफिकेशन कर रखी है। देखो इसका की का कवर आप देख सकते हो, ये देखो इसमें सारे कलर मिल जाएंगे आपको जो है, ये फिलहाल ब्लू में है, आप चाहो गोल्डन लो, सिल्वर लो, ब्लैक लो। तो करता हूँ इसका इग्निशन ऑन और आपको दिखाता हूँ फ्रंट से इंडिकेटर कैसे वर्क करते हैं जो कि आप देख सकते हो। और साथ ही इसमें ऐड किया गया है सिमटेक का हज़ार, जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिलते हैं, और पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इस स्विच को लेफ्ट राइट नीचे प्रेस, यानी कि राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट किसी भी साइड में आप इसको करके और फिर दोनों साइड में इस तरीके से आप बीच में प्रेस कर सकते हो, तो उसके पैटर्न जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। काफ़ी ईजी है, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये देखो। और इसको लगाने के लिए किसी भी तरीके की कोई वायर कटिंग नहीं है आपके पास, चाहे कोई भी एडिशन हो। इसके अलावा यहाँ पर लगाया गया बबल वाइजर जो कि आप देख सकते हो, इसका स्टॉक वाइजर को हटाकर यहाँ पर बबल वाइजर लगाया गया, और यहाँ पर हेडलाइट मास्क भी लगाया गया पूरा जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी बेस्ट लुक आ रहा है यहाँ से। वहीं यहाँ पर इसकी नोज भी लगाई गई है जो कि आप देख सकते हो 40 में लगी होती है। इसके अलावा यहाँ पर विंगलेट लगा रखी है जो कि आप देखो, तो फ्रंट से तो ये काफ़ी बेस्ट लग रहा है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर लगा रखा है HJG का ओरिजिनल फॉग लाइट जो कि आपको पता है बरसातें वगैरह आ रही हैं, कोहरे वगैरह में काफ़ी बेस्ट तरीके से काम करते हैं येलो और व्हाइट। और अभी रास्ता थोड़ी सी गंदी भी हो रही है क्योंकि ये अभी चल कर आई है जस्ट। यहाँ पर लगा रखे हैं फोर्क स्लाइडर, फोर्क स्लाइडर का बेसिकली वर्क होता है कि आपका जो ये वाला पार्ट है इसको करता है सेफ, प्रोटेक्शन देता है। और यहाँ पर आप देखो इस पर जो टायर्स पे भी जो है पेंट कर दिया गया है, जैसे डिटेलिंग कर दी गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अलॉय व्हील्स पर भी किया गया जो कि मैं आपको साइड से दिखा दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर पब्लिक का यहाँ पर लोगो लगा दिया गया है जो काफ़ी बेस्ट लुक दे रहा है। यहाँ से बॉडी इंडिकेटर यहाँ पर लगा दिया गया, बॉडी इंडिकेटर जो कि ब्लू और येलो के साथ में चल रहे हैं एक साथ। वैसे आप इग्निशन ऑन करोगे तो ये आप चाहो तो रेड कलर हो या ब्लू कलर लो, बट ये दोनों अभी एक्टिवेट है। यहाँ पर एम्बियंट लाइट लगा रखी है जो कि आप देख सकते हो, वैसे इसमें रिमोट आपको मिल जाता है जो आप कलर चाहो सेट कर सकते हो। बाकी इसमें ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो रहे हैं, ये आपको आइडिया के लिए दिखाया गया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी।
ये क्या है, ये यूनिवर्सल है, किसी बाइक में आप करा सकते हो, जरूरी नहीं है गाइस। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लुक मिलने वाला है, आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो इस चीज़ को। और यहाँ पर लगा रखे हैं एडजस्टर वाले क्लच एंड लीवर्स का सेट, जिसको अपनी फिंगर की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट हैं या लॉन्ग है, तो वो अपने फिंगर की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कहाँ आपको कंफर्ट लगता है बाइक चलाने में वहाँ इसको आप सेट कर सकते हो। लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं जो काफ़ी हैवी हैं, इन केस कभी गलती से बाइक गिरता है तो आपके क्लच और लीवर्स टूटते नहीं है, सारा इंपैक्ट आपका इस जगह पर आ जाता है, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। यहाँ पर ऑयल कैप लगा दी है जो कि आप देख सकते हो मेटल में है, CNC बिल्ड है, हैवी क्वालिटी का। आप देख सकते हो मोबाइल होल्डर जिसमें आपको चार्जर भी मिल जाता है, और केबल इसमें लगी हुई है, बस अपना फ़ोन लगाना है और चार्ज करना है जस्ट। हैंड ग्रिप भी लगा रखी है गाइस जो काफ़ी कंफर्टेबल है, ब्लू और ब्लैक के कॉन्ट्रास्ट पे लिया गया है, इस तरफ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ का कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, और साइड से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर थाई पैड्स लगाए गए हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर R15 के, और इस तरफ से भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है टैंक पैड लगा है, यहाँ पर लगाया गया है टैंक बैग जो कि आप देख सकते हो, इसमें अपना फ़ोन भी लगा सकते हो प्लस छोटा मोटा सामान भी आप कैरी कर सकते हो, फुल्ली वाटरप्रूफ होते हैं, काफ़ी ईजी है, इंस्टॉल हो जाते हैं। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो इसकी पूरी बैक लाइट की पूरी जो असेंबली है चेंज कर दी गई, यानी कि जो इसकी स्टॉक आती है उसको हटाकर यहाँ पर ये लगा दी गई है, काफ़ी बेस्ट लग रही है। यहाँ से आप देख सकते हो कलर कितना बेस्ट है, ये देखो KTM वाले इंडिकेटर लगा दिए गए LED वाले जो काफ़ी स्लिम है, ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑयल कैप लगा दी गई है जो कि मेटल में है, और यहाँ पर लगाए गए पावर पार्ट जो कि आपके इंजन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लगा रखे हैं पावर पार्ट्स। सो गाइस बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसको हल्का सा कह सकता हूँ सुपर बाइक का टच देने के लिए, ये जो आजकल फुल फेयरिंग वाली बाइक्स आती हैं उसका टच देने के लिए यहाँ पर प्रॉपर फिटिंग के साथ फालतू ना लगे अंडर वैली कवर्स कह सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी इसी पार्ट्स का बना हुआ होता है, यानी कि इसी मटेरियल का, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। और अभी थोड़ा बाइक थोड़ी गंदी है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, बाकी जब उसको आप साफ़ करोगे ना धोगे तो ये और ज़्यादा चमक इसमें आ जाती है। तो इस तरह से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो गाइस, तो ये प्रॉपर है और इसको जो है प्रॉपर तरीके से बनाया गया है डिज़ाइन करके ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। देखो स्टैंड भी आपकी कटिंग पूरी यहाँ से डिज़ाइन दी गई है, और कवर यहाँ पर लगा दिया गया इंजन का, ये आप देख सकते हो। सो गाइस इसके अलावा यहाँ पर जो फेयरिंग है ये प्लास्टिक के होते हैं, आप लोगों को पता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, बाइक की प्रोडक्शन के लिए स्लाइडर लगा दिए गए हैं जो कि इनकेस कभी बाइक गिरता है तो सारा इंपैक्ट इस पर पड़ता है और आपका फेयरिंग वगैरह सेफ रहता है। इस तरफ से भी आप देख सकते हो, इस तरफ से भी लुक कुछ इस तरीके से आता है यहाँ से। सो ये चार्जर जो मैंने आपको दिखाया था ये फास्ट चार्जर करता है, यानी कि जो आपका फ़ोन है एक नॉर्मल जो चार्ज आपका आधे घंटे में करता है तो ये काफ़ी जल्दी कर देता है, उससे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है इसमें, तो ये भी एक चीज़ थी। और बाकी ऑल ओवर इसमें एग्जॉस्ट को छोड़ के ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मॉडिफाइड ना किया होगा। फॉग लाइट में एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको इसका फोकस कैसा है, और फॉग लाइट के लिए यहाँ पर स्विच आप देख सकते हो कितना बेस्ट यहाँ पर जो है डिजाइनिंग करी गई है ताकि फालतू ना लगे। और इसको देखो यहाँ से बताओ, ये देखो गाइस, ये तो इसका वाइट हो गया और ये हो गया इसका येलो, यानी एक ही स्विच से आप दोनों लाइटर कंट्रोल कर सकते हो, इस तरीके से ट्विन वन लाइट और ये आपका ट्विन वन स्विच। तो ये देखो कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, सिर्फ इसमें साइलेंसर का काम नहीं है, बाकी इसमें सब कुछ मॉडिफाइड है, इसको देखकर आप अपनी R15 के किसी मॉडल में करा सकते हो गाइस। तो ये थी आपकी यहाँ R15 V3 की मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज।